नेक्स्ट प्रोजेक्ट फेज फोर का जो कि है शी हल्क। दोस्तों आपको बता दूं, शी हल्क सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट है फेज फोर का। जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जो कि शी हल्क के बाद आएगा। और उसके बाद फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल एक एपिलॉग है फेज फोर का, बट ओवरऑल ये सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट है। शी हल्क इज वेरी प्रॉमिसिंग और हम एपिसोड 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चले फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों आज के एपिसोड का टाइटल है अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेज। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं जेनिफर वॉल्टर या फिर जेन वॉल्टर, वो अपने नेक्स्ट केस की प्रिपरेशन कर रही है। वो यहाँ पे स्पीच दे रही है और बता रही है जूरी मेंबर्स को कि GLHNK जो कैसे केस जीतेगी एंड सब कुछ। इसी चीज में उसका साथ दे रहे हैं उसके असिस्टेंट निकी और उसका कलीग पैरालीगल जो है डेनिस। वो अपने केस के लिए आगे बढ़ते हैं एंड तभी हम देखते हैं कि आगे बढ़ने से पहले जेन वॉल्टर्स कैमरे की तरफ देखती है एंड ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल करके ऑडियंस से बात करती है एंड वो बताती है कि वो हल्क है एंड वो हल्क कैसे बनी। यहाँ पे पूरी कहानी बताने शुरू करती है। वो बताती है कि दरअसल वो एक रोड ट्रिप पे गई थी अपने कजन ब्रूस बैनर के साथ जो कि हमारे हल्क हैं। और यहीं पे दोस्तों हमको चीज पता चलती है कि जो ब्रूस बैनर है अब उसका हाथ भी ठीक होने लग गया आफ्टर एंड गेम, प्लस उसने एक डिवाइस बनाई है छोटी सी जो कि उसको उसके ह्यूमन फॉर्म में लगता है। यानी कि अगर उसने उस डिवाइस को निकाला तो वापस वो प्रोफेसर हल्क या फिर स्मार्ट हल्क बन जाएगा, लेकिन जब तक वो डिवाइस है वो ह्यूमन ही रहेगा। वो दोनों गाड़ी में आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं एंड यहाँ पे जेन वॉल्टर्स काफी इंटरेस्ट लेती है स्टीव रॉजर्स पे कैप्टन अमेरिका की लाइफ। वो दोनों आराम से बात कर रहे थे तभी हम देखते हैं सामने से वो सकार वाली शिप आ जाती है जो कि हमने रैग्नारोक में देखी थी। क्वाइट पॉसिबल कि वो ग्रैंड मास्टर की शिप है। उस शिप को देखते ही यहाँ पे जेन वॉल्टर्स अपनी गाड़ी का आपा खो देती है एंड आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से अपनी गाड़ी नीचे खाई में आ गिरती है और बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है। जेन वॉल्टर्स गाड़ी से बाहर निकलती है, उसका काफी ज्यादा खून बह रहा है, घायल है। इसी के साथ में अपने कजन ब्रूस की भी मदद करती है। ब्रूस कहते हैं मुझसे दूर हो जाओ, मेरे में से खून बह रहा है। और जिस चीज का ब्रूस को डर था वही होता है। ब्रूस का थोड़ा सा ब्लड जेन वॉल्टर्स में गिर जाता है और वो शी हल्क में बदल जाती है। शी हल्क बनने के बाद जेन वॉल्टर्स बहुत ज्यादा रेज होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड वो आगे जंगल की तरफ भाग। कुछ देर बाद हम देखते हैं ब्लैकआउट हो चुका है और शी हल्क से वो वापस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन चुकी है और अपने होश में आती है। वो उठती है, सामने एक डाइनर होता है, डाइनर की तरफ आगे बढ़ती है। आगे हम ये देखते हैं कि जेन वॉल्टर्स बाथरूम का इस्तेमाल करती है, वहाँ पे मुंह हाथ धोती है। वहाँ पे तभी कुछ और लड़कियां आती हैं जो कि उसकी मदद करती है उसको वापस ड्रेसअप होने में। जेन वॉल्टर्स बाहर निकलती है तभी पीछे कुछ तीन लड़के आते हैं जो कि छेड़ने कुछ करते हैं और सडनली उसकी रेज बढ़ती है और वो शी हल्क में बदल जाती है। शी हल्क में आगे बढ़ती वो कुछ उनको हमला करती है उनपे, तभी यहाँ पे ब्रूस बैनर पे हल्क आता है और उसको वहां से ले जाता है। शी हल्क एक बार वापस फिर से जेन वॉल्टर्स बन चुकी है और अपने होश में आती है और बिस्तर पे सोके उठती है। जेन वॉल्टर्स आगे उठती है, अपने कपड़े चेंज करती है एंड देखते हैं कि वहां पे टोनी का एक पुराना हेलमेट रखा हुआ जो कि टूटा हुआ है। इसी बीच हम पीछे एवेंजर्स का थीम म्यूजिक भी सुन सकते हैं। एनीवे जेन नीचे लैब में जाती है, देखती है कि वहां पे स्मार्ट हल्क काम कर रहे हैं। स्मार्ट हल्क यहाँ पे प्रोफेसर हल्क ब्रूस बैनर खुद इंट्रोड्यूस करता है अपना नाम एंड बताता है कि लोगों ने उसका स्मार्ट हल्क बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ ये जो जगह है ये मेक्सिको में है और एक आइलैंड है और ये जो पूरी लैब है ये टोनी स्टार्क ने बिल्ड किया था और ब्रूस बैनर को गिफ्ट किया था। इसी बीच हमको ये पता चलता है कि प्रोफेसर हल्क या फिर स्मार्ट हल्क जब बना था ब्रूस बैनर, तो वो जो 5 साल का गैप था ब्लिप वाला, वो इसी लैब में उसने एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को हल्क को और ब्रूस बैनर को कंबाइन करके प्रोफेसर हल्क या फिर स्मार्ट हल्क बना दिया था। हल्क आगे पूरी बात समझाता है जेन वॉल्टर्स को कि सामने सकायरन शिप आई थी जिसने मुझे ढूंढ लिया था एंड वो कुछ अपना मैसेज देने आई है। वो मैसेज क्या है इसकी तह तक बाद में हल्क इस पे काम करेगा। साथ में जेन को सब कुछ बताता है कि हम दोनों की जो बॉडी है, हम कजन है, हमारी बॉडी बाकी लोगों के मुकाबले जरा अलग है, हम गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए जेन वॉल्टर्स मरेगी भी नहीं, वो खुद शी हल्क बन जाएगी। जेन हल्क से बोलती है कि जैसे वो पहले थी उसको बिल्कुल नॉर्मल बनना है, लेकिन हल्क बताता है कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं खुद इतने सालों से स्ट्रगल करता हूँ इस बॉडी में तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं कर सकता। जेन वॉल्टर्स को आगे ये समझाता है कि तुम्हारी जो हल्क बनने की जो प्रक्रिया है उसको हमको कंट्रोल करना होगा एंड इसे 15 साल लगे थे मुझे, तो तुमको भी काफी वक्त लग सकता है क्योंकि हल्क का जो गुस्सा होता है उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड दस यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करता है हल्क जेन वॉल्टर्स की। हल्क उसको एक चेंबर में भेजता है जहाँ पे पीछे से चाकू घूमने वाले निकलने लगते हैं एंड जेन वॉल्टर्स सडनली रेज में आके वापस शी हल्क में बदल जाती है। अब यहाँ पे प्रोफेसर हल्क भी स्मार्ट हल्क जेन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि जेन शी हल्क जरूर बन गई है लेकिन वो अभी भी जेन ही है। यानी कि जैसे स्मार्ट हल्क ब्रूस बैनर होने के साथ हल्क है, वैसे सिमिलरली जेन वॉल्टर्स हल्क होने के साथ साथ वो अभी भी जेन भी है। तो यहाँ पे प्रोफेसर हल्क को या फिर अभी करंटली स्मार्ट हल्क को जेलेसी फील होने लगती है। वो कहते हैं जिस चीज को मुझे इतना टाइम लग गया कंट्रोल करने में वो तुम ऑलरेडी पहले से हो, तो तुम्हारी ट्रेनिंग और भी आसान हो जाएगी, जो पहला चैप्टर था किताब का उसकी जरूरत नहीं है तुम पर इस्तेमाल करने की। स्मार्ट हल्क आगे ये भी बताता है कि तुमको अगर वापस कंट्रोल करने हैं उससे पहले तुमको हल्क को कंट्रोल करना सीखना होगा, अगर तुम्हारे आसपास लोग गुस्सा कर रहे हैं तब भी तुमको शांत रहना होगा एंड इसके लिए तुम्हारी ट्रेनिंग लगेगी। एंड फाइनली शी हल्क इस ट्रेनिंग को लेने के लिए तैयार होती है। ठीक है वो तुम ट्रेन करो हल्क कैसे बनते हैं, कैसे कंट्रोल करना सब। हल्क यहाँ पे शी हल्क को डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताते हैं एंड कहते हैं कि हम 2 पर्सनालिटीज को एक साथ कंट्रोल करना सीखेंगे और यहाँ पे हम कुछ योगा की भी मदद लेंगे। हल्क उसके अगले दिन फिर से ट्रेनिंग शुरू करता है। अब जब यहाँ पे जेन सो रही होती है तो पता चलता है कि शी हल्क जब भी सोती है तो वापस जेन बन जाती है एंड वो जेन को उठाने के लिए एयर हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो उठती है वो शी हल्क में बदल जाती है।
और उसका बिस्तर टूट जाता है। तो यहाँ पे हल्क धीरे और चीज को सिखा रहे कि तुमको स्पैंडेक्स वाले कपड़े पहनने हैं, जो तुम्हारी छत की ऊंचाई कम से कम 10 फीट की होनी चाहिए, तुम्हारा जो बिस्तर वगैरह होगा वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और यही सब कुछ धीरे समझा रहे हैं। जेन की जब फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती है तो वो हर चीज में एक्सेल करती है। कहीं पत्थर उठाना फेंकना तो पत्थर दूर फेंक पाती है, ऑल दो यहाँ पे जब हल्क को जलेसी फील होती है तो एक पत्थर को और दूर फेंकता है, प्लस वो बैलेंस करना सीखना, हर चीज में वो एक्सेल करती आती है स्मार्ट हल्क के मुकाबले। लेकिन एक चीज है, हल्क में पेशेंस है बिकॉज उसने 15 साल में सीखा, और शी हल्क में पेशेंस नहीं, वो काफी इंपेशेंट है। वो बार बार यही पूछती है कि मैं वापस कब जा सकती हूँ, अपने लॉयर गिरी कब कर सकती हूँ। तो हल्क उसको यही समझा रहे इस सब चीज़ में टाइम लेगा, जब तक तुम पूरी रेडी नहीं हो, जब तक वो कुछ सेटिस्फाइड नहीं फील करता तब तक उसकी ट्रेनिंग चलती ही रहेगी। शेल काफी ज्यादा नाराज होती है कि उसकी पूरी लाइफ के बैंड बच चुकी है, अब उसको हल्क बन के ही रहना होगा। लेकिन हल्क उसको ये बताता है कि मैंने अभी तक तुमको सिर्फ उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स बताए थे, अब जरा फायदे की बात करें तो बताता है कि जो हमारे हल्क की बॉडी है वो अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं एक आम आदमी के मुकाबले। गाइस स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, इट्स वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। एंड उसके बाद फिर बहुत सारे अल्कोहल लोग पीते रहते हैं। प्लस यहाँ पे इसी बीच ब्रूस बैनर फिर स्मार्ट हल्क टोनी की यादें भी करते हैं। वो बताता है कि ये जो पूरी पूरी बार थी मैंने खुद ही बनाई थी और टोनी सिर्फ पीता रहता था, और हम स्टीव रॉजर्स की बुराइयां करते थे इसी के बीच। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ब्रूस एक बार फिर से उसकी मेडिटेशन ट्रेनिंग शुरू करता है। वो बताता है कि तुमको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है ताकि तुम्हारे इमोशंस बाहर निकल सके। एंड जेन वॉल्टर्स ही बताती है कि अपनी आम जिंदगी में भी लगातार गुस्से को कंट्रोल करते आई हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी निजी लाइफ में। इस चीज को बताते बताते उसके जज्बात बाहर निकलते हैं और जेन वॉल्टर से शी हल्क बन जाती है एंड बताती है कि मुझे भी गुस्सा आता है लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ। एंड जैसे वो बोल रही होती है वापस शी हल्क से नॉर्मल जेन वॉल्टर्स बन जाती है। तो इस चीज में वो हल्क से बेटर है कि वो शी हल्क भी बाहर निकाल लेती है और उसके बाद वो जेन वॉल्टर्स भी वापस इजीली बन जाती है। एंड ये बात देख के जरा स्मार्ट हल्क को बुरा लगा क्योंकि जिस चीज में स्मार्ट हल्क ने या फिर हल्क ने इतने साल लगा दिए जेनिफर वॉल्टर्स वो इजीली कर पा रही है। क्वाइट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे सिंस स्मार्ट हल्क का ब्लड भी बदल चुका था, उसने दो पर्सनैलिटीज को एक साथ कंबाइन कर लिया था, इसलिए यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स को जरा फायदा हो गया, उसको पुराने वाला हल्क नहीं बनना पड़ा, वो सीधा खुद भी काइंड ऑफ स्मार्ट हल्क की बनी है। जेन वॉल्टर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो हल्क की जीप की तरफ बढ़ती है, कहती है मुझे यहाँ से निकलना है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरी खुद की एक लाइफ और मैं तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती जहाँ पे खुद एक अपने आप को एक अबैंडन्ड आइलैंड पे रहना पड़े। लेकिन यहाँ पे हल्क कहता है कि हर सुपर हीरो को अपनी जिंदगी को ऐसे बनाना पड़ता है, उनको यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। जेन वॉल्टर्स कहती है यहाँ पे मैं काइंड ऑफ लोगों की मदद ही कर रही हूँ लॉयर बनके, लेकिन मुझे उस अपनी लाइफ को वापस जीना है, मुझे तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं जीनी है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, एनी हाउ यहाँ से निकलना चाहती है। स्मार्ट हल्क उसको लगातार यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। जेन वॉल्टर्स एनी हाउ वहाँ से गाड़ी लेके आगे जाने लगते हैं, प्रोफेसर हल्क उसको रोकता है। लेकिन इसी बीच प्रोफेसर हल्क का एक्सीडेंट हो जाता है और जेन वॉल्टर्स को देखने के लिए आती है, दोनों में फाइट शुरू हो रही है। जेन वॉल्टर्स शी हल्क को बदल जाती है, हल्क यहाँ पे अपनी थंडर क्लैप का इस्तेमाल करता है, शी हल्क भी थंडर क्लैप इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और दोनों में लड़ाई हो रही है। जेन वॉल्टर्स बार बार ये कहती है मैं तुमसे अलग हूँ, मेरी अलग लाइफ है, मैं शी हल्क भी या फिर हल्क भी अलग टाइप की बनी हूँ। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट हल्क बार बार यही समझा रहे जिस चीज को मुझे सीखने में साल लग गए वो तुम इतनी जल्दी नहीं सीख सकती, अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट करो। इसी लड़ाई को करते करते दोनों आपस में जाके आगे गिरते हैं, जंगल को तबाह करते हैं एंड जो ब्रूस की जो बार थी वो टूट जाती है। ब्रूस गुस्सा होता है, कहता है कि अब तुमको साथ मिलकर इस बार को ठीक करना पड़ेगा। वो बार को रिपेयर कर रहा था जहाँ पे रिपेयर चल रहा था, तो ब्रूस कहता है अगर तुम चाहते हो तो वापस अपनी करियर को कंटिन्यू कर सकते हैं लॉयर वाला। एंड अगेन जेनिफर वॉल्टर्स कैमरे की तरफ देखे कहती है मैं जानती हूँ कि झूठ बोल रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जेन वॉल्टर्स फाइनली वहां से निकल जाती है और ब्रूस बैनर काइंड ऑफ सैड भी फील कर रहा है क्योंकि उसके पास एक अच्छी कंपनी थी और उसको वापस अपनी अकेली वाली जिंदगी कंटिन्यू करनी होगी। जो यहाँ पे आप कहानी सुनाई थी जेन वॉल्टर्स वो यहाँ पे खत्म होती है, कहती है किसके बारे में, आप लोग जानते हैं, निकी जानती है, मेरी फैमिली जानती है, मैं हल्क हूँ और मैं दोबारा हल्क कभी नहीं बनने वाली, और वापस अपने केस को लड़ने के लिए आगे पहुंचती है। केस को लड़ने के अब केस जब चल रहा था तो फाइनल सेइंग की बारी आती है जेनिफर वॉल्टर्स की, वो आगे कुछ कहती है तभी हम देखते हैं पीछे से हमला हो जाता है और हमला करती है टिटानिया और उसकी असिस्टेंट थी निक। वो कहती है कि अभी वक्त है तुम्हारा सबके सामने शी हल्क बनने का। वो कहती है बट ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, बट एनी हाउ वो अपने शूज उतारती है और शी हल्क बन जाती है और टिटानिया को मारती है, लोगों को बचाती है, उसको फाइनली कैप्चर कर लिया जाता है। एंड अब शी हल्क की आइडेंटिटी फिर जेन वॉल्टर्स की आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी है कि वो लॉयर होने के साथ साथ शी हल्क एटर्नी एट लॉ भी है।